हेलो गाइस, नमस्कार, सभी को आदाब। जी नमस्कार सभी को। चलिए आज का जो टेस्ट होगा बहुत बेहतरीन होगा, जल्दी जल्दी से सभी लोग आ जाओ। आज रिकॉर्ड टूटना चाहिए, 400 बच्चे आना चाहिए आज क्लास में। कल का जो रिकॉर्ड है 392 है, तो क्या रिकॉर्ड तोड़वा रहे हो? अच्छा एक ही करे हो, बहुत सारी कर दो। क्यों बहुत सारी टोपियां तो दे दो यार, टोपियां कम पड़ गई हैं यार। बर्थडे से पहले 1000 टोपी देने का प्रॉमिस था तुम लोग का। जल्दी जल्दी आ जाइए, चलिए जल्दी जल्दी आ जाए सभी सभी। चलिए नमस्कार, जल्दी जल्दी आ जाओ, मैं जस्ट पीडीएफ फाइल अपलोड होने वाली है। अच्छा एक क्वेश्चन है आप सभी से, मेरा बर्थडे आ रहा है, क्या गिफ्ट दे रहे हो इस बार बर्थडे पर? शिवम कल कर दूं मैं बेटा, आज रुक जाओ, कल आपको सारी जो है एफएलट की पीडीएफ फाइल मिल जाएंगी। ठीक है, कल में छुट्टी है हम लोग की, पता है कल हम छुट्टी पर है, फाइनली छुट्टी मिली है। नहीं डीएसपी नहीं रे, पहले तो मेंस राइटिंग गिफ्ट देंगे पक्का। देखो कल मुझे, देखो मेरा बर्थडे आ रहा है, ठीक है, तो आप सभी एक ही गिफ्ट देना कि सभी लोग मेंस लिखें इस बार। ठीक है, सभी लोग को मेंस लिखने का गिफ्ट देना है, पहले बोलो तभी आज क्लास आगे लूंगा। ये प्रॉमिस करो कि हम पक्का सर मेंस गिफ्ट देंगे आपको। जी जी चलिए, तो नमस्कार सभी को। पक्का ना मेंस में चाहिए मुझे सभी। बेटा पीडीएफ जो है हम आपको ग्रुप पर दे देंगे, ठीक है बेटा। चलिए सभी लोग जल्दी जल्दी आ जाओ, वेलकम बेटा, वेलकम राम, सभी का स्वागत, अभिनंदन, क्लास में स्वागत है। आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो आप सभी का स्वागत है। और जितने भी बच्चे मेरी एफएलडी दे रहे हैं, फ्री टेस्ट सीरीज है ये आप सभी के लिए, राइट। लेकिन एमपीएसआई की देखो अभी इस बार तो हमने सब कुछ बताया बेटा। स्वाति परमार जी आपको ग्रुप पे मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप पर, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएंगे। ये मेरा नंबर है, ये पीडीएफ फाइल यहां से डाउनलोड भी हो जाएगा, राइट, और इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके जो है आप ले सकते हैं। चलिए टेस्ट कमेंट बंद करने की वो बेटा मैं आज जिसने भी जो आंसर दिया है ना मैं ब्लॉक करते चलूंगा, टेंशन मत लो, मुझे ब्लॉक करना आ गया है। ठीक है चलिए, ये अपनी आने वाली किताब है जिसका बेस और भी से आप सभी को इंतजार है। ठीक है, और जल्द से जल्द 2 दिन में ये किताब मार्केट में उपलब्ध होने वाली है।
जी, पहले मुझे ब्लॉक करना नहीं आता था एनएनसी, राइट। चलिए, बहुत लोग आए हैं, चलो स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, 1 मिनट और वेट कर लूँ? चलिए फिर ठीक है, जल्दी आ जाओ, फिर टेस्ट का टाइम हो चुका है। जी बेटा, अब टेस्ट दे दो, मैं टेस्ट के बाद जो है नाइट में ज्वाइन कर लूंगा। बेटा मानी, इस बुक में करंट अफेयर जो है 10 दिसंबर तक का, सॉरी 15 दिसंबर तक का करंट अफेयर रहूंगा। इसमें तानसेन समारोह जो 15 तारीख को होने वाला है वो भी इसमें दिया गया है। चलें कि वेट करें, एक और मिनट की स्टार्ट कर दें अब। स्टार्ट करें बेटा, 6 मिनट हो चुके हैं अब। जी, चले स्टार्ट करें कि 1 मिनट और वेट कर ले। चलो लास्ट 30 सेकेंड वेट कर लेते हैं, लास्ट के 30 सेकेंड, ठीक है। ओनली जो है हमारे 30 सेकेंड जो है कर लेते हैं। चलें तो अनअकैडमी की थीम सॉन्ग पे, लेट्स क्रैक इट। अनअकैडमी क्या कहता है? चलिए हम भी बोलेंगे आप अनअकैडमी की तरफ से, लेट्स क्रैक इट। चलिए अब जो है देखते हैं कौन जल्दी धुआंधार जो है टेस्ट देता है। चलिए गाइस, आप सभी इन जो है आप फ्री लेक्चर्स हैं ये सारे, आप इन फ्री लेक्चर के द्वारा आप अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करें। और मेरे सभी फ्री बच्चे हैं, मैं सबसे पूछना चाहूंगा, जितने भी क्लास में बच्चे आज प्रेजेंट हैं, मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश के 2000 महत्वपूर्ण तत्व, मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व, ज्योग्राफी, मध्य प्रदेश का परिवहन, हिंदी स्पेशल, ठीक है, एमपी स्पोर्ट्स एंड एमपी प्री 2019 टारगेट बैच, बायोलॉजी कोर्स, इकोनॉमिक्स कोर्स, एनर्जी एंड रिसोर्सेस कोर्स, तो मैं कितने स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि ये बच्चे मेरे फ्री लेक्चर देख रहे हैं? मेरे कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फ्री लेक्चर देखते हैं? अब जल्दी से रिप्लाई करते, कौन कौन है जो फ्री लेक्चर देख रहा है? चलिए, शांत, गुंजन, राज, रंजीत, सचिन, आशीष, टीना, अंजलि, भागश्री, या बहुत कम लोग देख रहे हैं। तो मैं आप सभी को ये टारगेट आपको अचीव करना है, अक्षांश आपका हो जाएगा आज, ठीक है, टेंशन फ्री रहो, ठीक है। आप सभी से जो हैगा आप तेजी से जो है आप जुड़ें, ठीक है। ठीक है, सभी लोग अच्छे से टेस्ट देंगे मेरी तरफ से, और अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग करें। और जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं वो देखें। और हाँ, ध्यान पूर्वक कमेंट्स भी कर दिया करो, तो मुझे तो लगे कि कौन देख रहा है कौन नहीं। 4-5 बच्चों के नाम ही याद है, वो रेगुलरिटी के साथ देखते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी देखा करें, ठीक है। चलो अब गाइस, आपकी कमेंट्स यहां से बंद होती हैं, अब आप कमेंट्स करने का हक खो चुके हो। राइट, मैं अगेन बोल रहा हूं, अब जो है आप कमेंट्स करने का हक खो चुके हो। राइट, आप सभी को जो है मैं अगेन बोल रहा हूं, अगेन रिपीट कर रहा हूं, अब आप कमेंट्स नहीं करोगे, ठीक है। अब हम टेस्ट के बाद कमेंट्स करेंगे। चलिए, आप कमेंट्स नहीं करना, मैं को ब्लॉक करना पड़ेगा, ठीक है।
चलिए, गरुण स्तंभ की स्थापना जो है किस गरुण वंश जो है गरुण किस वंश का राजकीय चिन्ह था? आप कमेंट्स नहीं, इससे बच्चे ज्वाइन करें, आप टेस्ट जो है नाउ स्टार्ट हो चुका है। कोई विद्यार्थी कमेंट्स नहीं करेगा, पोल पे आंसर स्टार्ट करें अपने। और अजय वर्मा मे को आपको ब्लॉक करना पड़ेगा, आप कमेंट्स पे आंसर ना दें। प्लीज ओनली कमेंट्स पे आंसर करें। गुप्त वंश। किस स्थान पर 10 जनवरी 2019 का संस्कृति कुंभ का जो है आयोजन किया गया है? अगेन रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, किस स्थान पर 10 जनवरी 2019 को संस्कृति कुंभ का आरंभ हुआ? कोई गाइस मुझे रिप्लाई ना करे प्लीज, बेटा रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट, आप सभी टेस्ट देंगे, ठीक है? अगर आप रूपसर की बात मानते हो तो प्लीज कोई रिप्लाई नहीं करें, ओनली टेस्ट। प्लीज बेटा टेस्ट दो, ओनली टेस्ट करो। बहुत अच्छा पेपर बनाया हूं, मजा आएगा आपको, ठीक है? प्लीज जो है विजय, मैं अगेन मना कर रहा हूं, प्लीज आप अभी नहीं करें कोई भी चीज, अभी ओनली टेस्ट, सभी टेस्ट ओनली, कोई भी हाय हेलो ना करे। अनुज टेस्ट दें, ओनली टेस्ट दें, टेस्ट हाय हेलो नहीं। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम कितना परसेंटेज पार्ट्स पर जो है वन आवरण क्षेत्र जो है होना चाहिए? चलिए 33% पर, कितना परसेंट पर? 33% पर जो है हमारे यहाँ फॉरेस्ट की उपस्थिति होनी चाहिए। भारत में पहला बहु उद्देश्य नदी घाटी प्रोजेक्ट कौन सा था? भारत का पहला नदी घाटी प्रोजेक्ट बताना है, राइट? चलिए चलिए चलो नाउ स्टार्ट करें। जल्दी से ज्वाइन करें टेस्ट को, जल्दी से इसमें टेस्ट में ज्वाइन हो। चलिए आंसर क्या है? दामोदर। अगर बेटा एक क्वेश्चन यहीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है, वैसे तो मैं पढ़ाया हूं आपको याद होगा, अगर पहला आपसे पहला जल विद्युत संयंत्र, अगर क्वेश्चन क्या पूछ लेता, पहला जल विद्युत संयंत्र समझाओ, अगर क्वेश्चन क्या आता पहला जल विद्युत संयंत्र बताओ, तो इसका आंसर आता है क्या?
बहुत अच्छे, सभी ने जो है अच्छा आंसर दिया है दार्जिलिंग। बहुत अच्छा बेटा, बहुत शानदार आपका रिस्पॉन्स रहा दार्जिलिंग। और अगर क्वेश्चन ये होता पहला जल विद्युत परियोजना, अगर आपका क्वेश्चन पहला जल विद्युत परियोजना, तो आप क्या आंसर लगाते? तो इसका क्या रहेगा? शिव समुद्रम। क्या आंसर लगाओगे आप? शिव समुद्रम। क्या आंसर लगाओगे आप? शिव समुद्रम। ठीक है, अब क्वेश्चन समझो एक और। अब क्वेश्चन क्या आता है? या तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना पूछा जाता है, क्या पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, या ऐसे भी क्वेश्चन आया है स्वतंत्र भारत की। क्वेश्चन कैसे आता है? स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है ये। तो आंसर क्या रहेगा हमारा? दामोदर रहेगा। क्या आंसर रहेगा उसके? इसमें दामोदर। क्लियर? चलिए अब आ जाओ, किस गुप्त शासक के तीन अभिलेख जो हैं पूर्वीय मालवा से हमें प्राप्त हुए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश जीके का। चलिए, चंद्रगुप्त द्वितीय, मद्रास हाई कोर्ट ने टिकटॉक पर हाल ही में प्रतिबंध लगाया था, ये जो है क्या है? चलिए सन्ने बनाया वीडियो, अच्छा तो याद है तुम्हें। चलिए जी 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 समझ गया क्या है, ये वीडियो शेयरिंग ऐप है। ठीक है, चलिए, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़े की बहुत अधिक मात्रा को स्टोरेज करता है उसे हम क्या कहते हैं? चुंबकीय टैप, चिप या डिक्स? बेटा अब मैं सुन लूं, आपके आंसर हो गए, अब मैं समझा दूं। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़े की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में स्टोरेज कर सकता है, ठीक है, तो उसका आंसर डिक्स कैसे हुआ आप ये बताओ। डिक्स में केबी में भी आती है डिक्स, ठीक है, आपकी जो है मैं क्या बोला हूं, डिक्स केबी में भी आती है, मेगाबाइट्स में भी आती है, ठीक है, टेराबाइट्स में आती है, लेकिन चिप जो होती है ना, चिप कंप्यूटर के हार्डवेयर को जो बहुत अधिक मात्रा में चिप जो है, आज नैनो चिप का टाइमिंग आ गया है। अरे बेटा सुन तो लो, आप सुन ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे हो। आज जो है, आज की जो आज हार्ड डिस्क का बेटा एक टाइम था, हार्ड डिस्क का एक समय था, आजकल ऐसी ऐसी चिप्स आ गई हैं कि आप छोटी सी मोबाइल की रैम में जो है बहुत सारा डेटा को स्टोरेज कर सकते हो, ठीक है, इसका इसका आंसर चिप है। आप अगर आप पुरानी आंकड़ों के अनुसार जाओगे तो आपको डिस्क ही पढ़ने को मिली है,
ठीक है, थ्री हार्डवेयर है, चुंबक की टेप हार्डवेयर। और ठीक है एसआरएस, हम ये वाली बात मैंने आपकी मान ली, ठीक है, इसके हिसाब से मैंने आपकी ये बात मान ली, ठीक है। बताओ एसआरएस चुंबक की टेप को जो है, अगर हम इसको सीपीयू में लगाऊं मैं, तो बर्क कर सकता हूं मैं उससे वो भी, ठीक है बेटा। इसका आंसर, ये जो क्वेश्चन आया है ना, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है चिप माना है, तो हम भी आंसर चिप मानेंगे, ठीक है। यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है ये। कौन सा शहर गंगा नदी की तट पर नहीं है? जी जी बेटा, मैं कमेंट मैं तो ब्लॉक कर दूंगा, जिसका भी कोई भी मैसेज आया बेटा, थम्स अप बंद कर दूं, मैं ब्लॉक कर दूंगा आपको, क्या फायदा। आप ओनली पेपर शेयर करें, टॉप यहां आए। चलिए दिल्ली, वेलकम शिवम। जीआई टैग रसगुल्ले का हाल ही में किस राज्य को प्राप्त हुआ है? राहुल शर्मा, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या जो बोल रहा हूं? आपको पोल पे आंसर दीजिए। बेटा एक सेकंड, मैं ब्लॉक कर लूं, मैं दो तीन लोगों को ब्लॉक करना स्टार्ट कर दिया हूं। कामाक्षी उड़ीसा को, बेटा मैं कर चुका हूं, तीन लोग को ब्लॉक हो चुके हैं, टेंशन मत लो। अब सुन लो, आप सुनते ही नहीं हो ना, चलो आप कर लो, अब सुन लो, आप सुन लो, कर लो, पहले आप अपने कर लो, सुनो। अगर अब बात सुन लो, मैं कमेंट्स मना कर रहा हूं ना, एक बार बोल चुका हूं ना कमेंट्स का, मुझे भी मालूम है उड़ीसा को भी मिला है, क्वेश्चन समझना है कि नहीं समझना, अपना चलाना है पहले, मालूम है आप मेरे से ज्यादा जानते हो, मेरे को नहीं आता है, ठीक है। मैंने आंसर पश्चिम बंगाल लगाया है, तो कुछ सोच समझ के आंसर दे रहा हूंगा ना, मैं तो पगला हूं नहीं। अब सुनो आराम से, पश्चिम बंगाल को है 2018 मिला, राइट, 2019 को जो है आपका उड़ीसा ले गया, राइट, उड़ीसा को मिला है, ठीक है। ये पुराना क्वेश्चन है, ठीक है, मैं ईयर नहीं लिखा हूं, राइट। तो आप दोनों आंसर बता रहे, दोनों को आंसर कोई गलत तो नहीं है, आपको दोनों आंसर बता दिए मैंने कि भैया यहां आपको बंगाल को मिला था और यहां आपका उड़ीसा हो गया, ठीक है। अगर क्वेश्चन 2019 के अकॉर्डिंग आए तो आंसर ये लगा देना, 2018 के अकॉर्डिंग आए तो पश्चिम बंगाल लगा देना, खत्म आंसर आपकी। और अगर दोनों ऑप्शन में उपलब्ध होंगे तो वहां सी ऑफ एक ऑप्शन क्या दे देगा, वो काट कर डी में जगह, ए और बी दोनों होंगे, बात खत्म। अब हमारे पास पोल तो एक ही है ना, तो आपका दोनों आंसर बता दिया। जीआई का फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडेक्स, मैं याद रखना, कमेंट ब्लॉक करते जा रहा हूं, आपकी इच्छा है, आप करना हो तो। जिसे मध्य प्रदेश में किस स्थान को मगध की राजधानी बनाया गया? चलिए पोल स्टार्ट हो गया है, जल्दी से
उज्जैन, ठीक है। अब आ जाओ, मैं क्वेश्चन पढ़ाया भी था, एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? सात बच्चे में ब्लॉक कर चुका हूं, ध्यान रखना। तो किसी ने भी कमेंट्स की ना तो सोच लेना, ब्लॉक हो जाएगा वो। चलिए, केंटो मेमोटा, टॉप 12 देख लें। इट्स पियूष इज अ 12 आंसर, राइट है। मोनिका 12, 12 में से आउट ऑफ 12। शिवानी 11, निशांत 11, रवि 11, रविकांत 11, ज्योति यादव 10, दीपक शर्मा 10, संजय ठाकुर 10, दुष्यंत कुमार 10। बहुत अच्छे बेटा, वेल प्ले। जो है आज आप अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही आंसर देते रहना। चाहूंगा जो बच्चे लेट हुए हैं आप आ जाओगे बेटा। आप टॉप 10 में आइए, टॉप 10 का ही मैं बता सकता हूं, बाकी हमारा जो सिस्टम है टॉप 10 को ही काउंट कर पाता है। जो टॉप में आ जाओगे तो आपका नाम आ जाएगा, समझ गए जी बेटा? बेटा आप जो है आप टॉप आ जाइए, आपका नाम उसमें आ जाएगा, आपको टॉप करना होगा। टॉप 10 में आओ बेटा, टॉप 10 में 10 सही है ना, तो आपका सेकंड टाइम्स इसमें दो ढंग से कंप्यूटर कैलकुलेट करता है। एक तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना सही है और कितने समय में लिए हैं। चलिए बेटा, आप कमेंट्स नहीं करें, मैं जो है ब्लॉक कर दूंगा। देखो मत करवाओ मुझे परेशान, मैं ब्लॉक कर दूंगा। मैं नहीं चाहता कोई बच्चा ब्लॉक हो, मुझे बहुत बुरा लगता है। एक को मैं ब्लॉक करूंगा, सात कर चुका हूं, बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत बुरा गिल्टी फील हो रहा है, मैंने सात को ब्लॉक कर दिया, समझ रहे हो? तो ऐसा मत करो कि गिल्टी मुझे फील हो। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से जो है प्रवेश किया है? चलिए, खैबर दर्रा किस देश को पहले निप्पन के नाम से हम जानते थे? बहुत अच्छे मोहम्मद, बहुत शानदार आंसर दे रहे हो आज, कीप इट अप बेटा। और रोहित यादव, बहुत अच्छे आंसर चल रहे हैं तुम्हारे, आओगे टॉप 10 में भी आ जाओगे। रूपाली कंटिन्यू वर्क करो, आ जाओगे टॉप 10 में। अभी तक 160 बच्चे टेस्ट को ज्वाइन कर चुके हैं, समझ रहे हो? 160, 160 बच्चे जो हैं इस टेस्ट को दे चुके हैं, अभी तक आ चुके हैं ऑनलाइन। जापान इज अ सही आंसर। कुमार गुप्त के शासनकाल में जो है मध्य प्रदेश में प्राप्त अभिलेख में से किसमें सूर्य के निर्माण का जिक्र किया गया है? चलिए कमेंट्स मत करो, चलिए आंसर कीप इट अप करें जल्दी।
मंदसौर। दीपा धाकड़ मना किया है ना, कोई बच्चा कमेंट कर रहा है तुम्हें ब्लॉक करूं क्या मैं लास्ट बार, तुम्हें भी एक बार समझ लो कि जब कोई कमेंट्स नहीं कर रहा है तो कुछ तो रीजन होगा। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? यामागुची। आईसी में डाउट है बेटा, दो लोग थे जेके किल्वी थे और इसमें एक और व्यक्ति थे जेके किल्वी के अलावा जॉन नुई, तो इन दोनों ने मिलकर जो है आईसी को 1958 में जो है बनाया था। रॉबर्ट नुई, नुई थे नुई, तो रॉबर्ट नुई आपको ऑप्शन में नहीं दिया जो है, रॉबर्ट नुई जो है आपको ऑप्शन में ही नहीं था, समझ गए? जेके किल्वी और रॉबर्ट नुई जो थे दोनों ही साथ में थे, ठीक है? नहीं नहीं रॉबर्ट नायक नहीं, रॉबर्ट नुई। श्रीगौ इंडोनेशिया को इससे पहले हम किस नाम से जानते थे? क्या हुआ आकाश? इंडोनेशिया को हम पहले किस नाम से जानते थे? विश्व में सबसे अधिक सड़कें का जो मैं बता रहा हूं, विश्व में सबसे अधिक सड़कों का जो विस्तृत जाल नेटवर्क किस में है? अमेरिका पहला ऑप्शन, दूसरा रसिया, तीसरा कनाडा, चौथा इंडिया। पहला रसिया, दूसरा रूस, कनाडा और हमारा इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका आंसर अमेरिका थे, ठीक है? चंदेल शासकों के समय मध्य प्रदेश किस क्षेत्र को जजात भुक्ति कहा है? प्राची जी मुझे समय कम रहता है तो हम अपने टेस्ट में 100 क्वेश्चन तो नहीं रखते, 80 क्वेश्चन रहते हैं मेरे टेस्ट में, 100 के लिए समय नहीं बचता, इसका 100 नहीं रखते, 80 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। थैंक यू प्राची।
चलिए बेटा, जयजार मुक्ति राजा का नाम था, जय शक्ति के नाम से भी हम उसे जो है जानते हैं। बुंदेलखंड लगा तो आंसर 20 का आंसर था आपका अमेरिका। चलिए 22 क्वेश्चन हो गया है, टॉप 10 बता दूं। शिवानी राय 21 पीयूष आउट ऑफ 22 है, 20 रवि, 19 दीपा, रवि के 19, अनामी के 19, मोनिका के 19, अंशुल के 18, संजय के 18 और सहदेव के 18। बहुत अच्छे सारे बच्चे प्लस के छाए हुए हैं, बहुत अच्छे। अच्छा लगा अनामिका को छोड़कर, बस और बाकी सारे बच्चे जो हैं प्लस में धमाल मचा रहे हैं। आपसे मुझे यही उम्मीद थी और आप सभी जो है मेरी उम्मीद, अब मैंने जो है एक को चैलेंज मारा था, ठीक है, नाम नहीं ले सकता गाइस, लेकिन एक एडुकेटर था जिसने मेरे को चैलेंज किया है कि ज्यादा से ज्यादा 10 बच्चे निकाल पाओगे आप अपने उससे, ठीक है, और एक कोचिंग वाले से भी चैलेंज हुआ है। तो बताओ कितने बच्चे निकालूंगा मैं आज यहाँ से, मुझे कोई उनको जो है मैं लड़ गया हूं उनसे, ठीक है, कि मेरे जो बच्चे हैं 100% जी जी मैं जो है उनसे लड़के आया हूं कि नहीं, कम से कम 70+ बच्चे निकालूंगा प्लस से। बेटा श्वेता उसको बंद करके चालू कर दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, या आप रिफ्रेश कर दो। देखो यार इज्जत मत लुटा देना मेरी, मैं लड़ गया हूं, बोल दिया हूं कि मेरे जो है बच्चे 70+ बच्चे जो है निकलेंगे। ठीक है, तो इज्जत का फालूदा मत करा देना, बेइज्जती हो जाएगी। कोशिश नहीं करनी है, अब भी कोशिश करोगे, कोशिश नहीं चाहिए मुझे भैया, रिजल्ट चाहिए। तुम तो बोल दो कहां कमी है, पढ़ाने में कमी रह गई हो तो बोल दो, टेस्ट सीरीज में कमी लग रही हो तो बोल दो, पर रिजल्ट चाहिए मुझे, मैं तो लड़ जाऊंगा तुम लोगों से। जी जी नहीं नहीं डर नहीं, डरो नहीं, बैठ दो आप। चलो अब आ जाओ, क्वेश्चन नया है 23 जी, टेस्ट शानदार बेटा, सब चीज रहती है प्लस में, प्लस में सिर्फ जो है रूप सर आपको खाना बना के दे देंगे, आपके मुंह तक खाना पहुंचा देंगे, सिर्फ आपको चबाना है, ठीक है। तो जिन जो भी बच्चा प्लस ज्वाइन करना है, रेफरल कोड आपको रूप सर डालना है, ठीक है, रेफरल कोड क्या डालोगे, कैपिटल में रूप सर। और 15 जनवरी से जो है MPSI का बैच शुरू हो रहा है, रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं। चलिए, चुम्बक की डिस्क में किस पदार्थ का जो है लेप चढ़ा होता है, अगेन रिप्लाई कर रहा हूं, चुम्बक की डिस्क में जो है किसका लेप जो है चढ़ा होता है। बेटा हम कहते हैं जो चीज फ्यूचर में होनी हो उसका वेट मत करो, फ्यूचर का वेट नहीं करते बेटा। रंजीत रूप सर का नंबर हैगा ना तो मैसेज कर लेना, पूछ लेना, ठीक है। ये दे दो, वो दे दिया अभी ने, ठीक है, यही नंबर है मेरा जो आ गया है, ठीक है, ये मेरा ही नंबर है, इस पर मैसेज कर लेना। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है बेटा, एक महीने में ना इंजीनियर जो होते हैं ना 10 बार एग्जाम निकालेंगे, प्राची जो इंजीनियर है ना 10 बार एग्जाम निकाल सकता है,
तुम बात करें एक महीना बचेगा तो क्या होगा। एक बार हम इंजीनियर से पूछो कि हम में कितना प्राउड है। सॉरी बेटा निवेदिता, मुझे आपको ब्लॉक करना पड़ा, ठीक है, क्योंकि कमेंट्स बहुत आ रहे थे इसलिए मेरे को ब्लॉक करना पड़ा। और मुझे ऑन करना नहीं आता, अनब्लॉक करना नहीं आता, इसलिए तो मैं बोल रहा था कि मुझे परेशान मत करना। चलिए, सीपी कलादर, जनसंख्या का सर्वाधिक भार कहाँ पाया जाता है? जी, चलिए चलिए, सीपी कला आंसर था, सीपी कला दर्रा, ठीक है। और इसका एशिया, अब बातें नहीं करो, भारत का रोड सिस्टम प्रणाली में विश्व में कौन से स्थान पर है? दूसरा, राजा भोज की कविराज की उपाधि दी गई क्योंकि इनमें से कौन से ग्रंथ की उनने रचना की है, जो एक उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। अगेन रिपीट कर रहा हूं आप सभी को, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा, पोल क्वेश्चन तो पढ़ लेने दो। चलो प्लस वालों, आज कोई छुट्टी मत मानना। 1955 और 1989 के मैंने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करे हैं, तो उनकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, ठीक है, तो कोई छुट्टी मत मानना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो 30, ठीक है, तो छुट्टी मत लगाना एक भी। किस देश के इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्पस को अमेरिका द्वारा एक आतंकवादी समूह जो है घोषित किया? आंसर ईरान। जो गाइस, मैं क्वेश्चन पूछ के जा रहा हूं आपसे, ठीक है, मैं पानी की बोतल ला पाता हूं कि आप लोग आंसर लगा पाते हो, ठीक है। नाउ टाइम योर स्टार्ट अप।
विट कहते हैं। केंद्र सरकार की नई वन नीति की घोषणा कब की गई? कौन सा नगर गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है? यूपी में बहने वाली नदी है, नहीं मंदाकिनी का नाम गोमती नहीं है, इसका आंसर जो है चित्रकूट होगा। इसका आंसर चित्रकूट होगा। शायद लॉक गलत हो गया क्या? अरे लॉक गलत हो गया है, लगता है लॉक जो है गलत हो गया था। सॉरी गाइस, सॉरी, अब माफ कर दो, जो है जो है गलत हो गया। लो करो कमेंट्स, जो है आप कर लो, अब जो है तुम कर लो बातें, कर लो फिर जो है बता देना, जब आपकी इच्छा पूर्ति हो जाए बोल देना सर अब चलो हम मान गए। तुम तो जब गलती हो जाती तो हाल में ऐसे लिख के कह देते हो सर गलती से टिक हो गया, तो हमने तो पहले बोल दी कि गलती से आंसर, तो ऐसा तो नहीं है हमने आपसे किया हो कि आपका आंसर नहीं मानने हो, राइट? तो आप कहने हो गए कि सर आपने हमारा आंसर नहीं माना, ठीक है, हम तो आपका आंसर मान रहे हैं, हम तो आंसर ही भाई बोले चित्र कौन सा नदी, आंसर सही बताए ना। उपरोक्त सभी सही कह रहे हो, ये चीज सीख रहा हूं धीरे धीरे। पहली बार तो ये पोल पकड़ाया है तुमने मुझे, अब थोड़ा टाइम तो लगेगा। चलो पाकिस्तान, टेहरी बांध जो है किस नदी का संगम है? इकतीस का आंसर महेंद्र चित्रकूट था, ठीक है, चित्रकूट जो है मंदाकिनी नदी के तट पर था, लेकिन पोल मुझसे गलत हो गया था तो सुल्तानपुर जो है आपको सो किया, समझ गए। एक बहुत चर्चित गेम ब्लू है, क्या है ये? जो ब्लू हेल चैलेंज जो है क्या है, ठीक है, एक इंटरनेट वेबसाइट का नाम, नासा सैटेलाइट
या एक मोबाइल गेम? अबे ये तो कम से कम आंसर निकल गया था क्या? क्यों आंसर निकल गया था क्या? सॉरी यार, मुझे तो पता ही नहीं लगा। अरे उसको ब्लू गेम ही बोलते हैं ना, तो शायद याद ही ऐसे है कि ब्लू गेम तो निकल गया लगता है सर। जी 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 100% नहीं लाए। अब जो है अग्रवाल जी खंडवा वाले, नमस्कार बेटा। बेटा नाम रख लो अच्छा सा, क्यों हीरो नाम दे दूं? चलो जो है आप कितनी लिस्ट जो है शो कर देंगे। किसके बारे में कहा जाता है कि उसकी मृत्यु के बाद विधवा और विद्वान दोनों निराश्रित हो गए? चलिए ओके चलिए। ऐसा बेटा प्लस में भी इससे ज्यादा मजा आता है। जब मैं प्लस क्लास देखोगे ना कभी, तो प्लस क्लास में ऐसे हंसते हंसते याद करा देता हूँ सारी चीजें, ठीक है? तो प्लस क्लास में जल्दी से आ जाओ, वेट कर रहा हूँ। प्लस क्लास में भी जो है बहुत मजे आएंगे। जी थैंक यू अग्रवाल जी। शर्मा जी कैसे शर्मा हो, जो मुझसे कॉल पूछ लेना मैं समझाऊं। शिवास गौतम, गौतम जी बहुत लेट आ रहे हो आज। नव सारी कहते थे ठीक है। जवाहर सुरंग नाम के एक प्राकृतिक दर्रे को दिया जाता है, ये जो सुरंग है कहां पर है? बेटा सिक्स्थ मंथ की शायद 5000 के लगभग है, तो इससे अच्छा बेटा एक ईयर का ही कर लो। आपको क्या ज्यादा डिफरेंस तो आएगा नहीं सिक्स्थ उसमें, और बहुत क्लोज जो है इजी पड़ जाएगा। चलिए सिवान टॉप में आना है, जल्दी से टॉप 10 में जुड़ो। मुझे उम्मीद है आप टॉप 10 के छात्र हो मेरे। जी मेंस की भी जो है हम सातवीं कराएंगे। चलिए बनिहाल दर्रा इटली का डेट्रॉइट किसे कहते हैं? रवि अंशुल कमेंट करना दोनों, रवि दहेरिया अंशुल कमेंट से आंसर बताओ मुझे जल्दी से। पहले सिर्फ ये दो लोग आंसर देंगे, जल्दी से कमेंट्स बताना है। मुझे मालूम था अंशुल, देखा मेरा सेक्शन कितना कि तुम्हें इसका आंसर नहीं मालूम, और रवि को मालूम था। बेटा मिलान क्या पढ़ाया था? सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था ना मिलान, और मैंने पूछा क्या है डेट्रॉइट, तो फिर बेटा ना कल से ना वीडियो बनाना 6-7 घंटे का, ठीक है? तुम 6-7 घंटे हाथ ऊपर करके खड़े हो जाना, ठीक है? और फिर याद करना पूरा ढोर नहीं तो ट्यूरिन बोलते हैं। जी बेटा जो है आप प्लस में जुड़े सब कुछ हो जाएगा वहां से।
अब तो हम तुमसे नाराज है, जब तक तुम टॉप फर्स्ट पे नहीं आएंगे अंशुल से बात नहीं है। अब अंशुल तुमसे बात नहीं होगी बिल्कुल भी, तुम बहुत गलत जा रहे हो। चलिए टॉप 10 बता रहा हूं बेटा, वेट करो मैं अभी हो जाए इसमें टॉप 10 बता देता हूं। अच्छा आज का लेवल एमपीपीएससी वाला है, बहुत दिन नहीं था। कोशिश रहेगी बेस्ट से बेस्ट करने का। शिवानी 38 आउट ऑफ 14, पीयूष 38, रविकांत 37, दीपक 36, रवि 36, संजय 34, सैदीप 33। रिवायर कच्चे चावल ऊपर आ गया तू तो, आज तो 7th में आ गया। 33 दीपा, अनामिका 32, नीरज 32। बेटा अब 32 से जो नीचे है ना वो टॉप 10 में नहीं है, और टॉप 10 में लाने के लिए ना आपको अराउंड जो है कम से कम क्वेश्चन पे पहुंचना होगा, गलत करने होंगे। तू बहुत शादी कर रहा है क्या बात है बेटा, टेस्ट दे ले, फायदे में रहेगा। अब बेटा नीचे वालों का भी हम लोग के जो कंप्यूटर है ना, अगर आप टॉप 10 में आ जाओगे ना तो आ जाए। बेटा 80 क्वेश्चन है, चुपचाप टेस्ट दो, कहीं नहीं जाना है, बड़े आए दोनों। पीएससी निकालना है कि घूमने आए हो? कोई गया ना मालूम पकड़ के, फिर ध्यान रखना। पता है इज्जत लगी है दाव पे, तुम कह रहे हो मुझे जाना है, किसी से बैट लगाया हूं? बेटा नेटवर्क के कारण पोल नहीं आ रहा होगा। चलिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में, अच्छा ऐसा। चलिए चलिए बेटा क्या करूं, मेरे को भी इसका ना बहुत वो है। चलो पोल आ रहा है, मुझे भी झटके लगते हैं, मैं अभी इस पे एक्सपर्ट नहीं हुआ रंजीत। डेनमार्क ठीक है। भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम? ढोर हो गए हो सबके सब, बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे। कल ही यूट्यूब पर हटाया था चिल्ला चिल्ला के। कल ही सर आपने? नहीं रे, कल ही चिल्ला चिल्ला के हटाया था पगलू, फिर भी गलती कर रहे हो। अरे नहीं मैं तो क्वेश्चन लगाया था, आंसर टिक थोड़ी किया था। कल ही जो है ये क्वेश्चन मैंने बहुत रटा रहा था, तब भी गलत कर दिए हो। प्राचीन भारत भौगोलिक मान्यता के अनुसार किस द्वीप का जो है द्वीप है?
जम्बूद्वीप, क्या रहोगे? जम्बूद्वीप। भारत की मुख्य दक्षिण सीमा है? क्वेश्चन जी। ओके ओके, चलिए। अच्छा चलो, टॉपर बता दें। आ तो भाई साहब, मेरा बहुत प्यारा स्टूडेंट पीयूष है, आज तो टॉपर। क्यों, आज तो पीयूष टॉपर है रे। आज तो भैया हमारा पीयूष जो है टॉपर है, राइट? बहुत अच्छा लग रहा है, एक्साइटमेंट। और रविकांत थर्ड पर है, वाह रविकांत, सेकंड पे, सॉरी। दीपक थर्ड पे है, रवि भी थर्ड पे है, वाह रवि, ये आज तो क्या बात है। संजय, अनामिका सेवन पे, दीपिका 30, और दीपा पवार, क्या बात है दीपा, आज तो इंटरनेट चल गया लगता है। क्यों दीपा, आज तो जो है इंटरनेट चल गया है, क्या बात है। आज तो छोरी ने टॉप 10 में जो बोला था, टॉप 10 में आ गई। ये हुई ना बात, जिस दिन मैं बोल देता हूँ ना कि टॉप 10 में आना है, राइट, तो वो बच्चा टॉप 10 में आ जाता है। ऐसा क्या है, मैंने नाम ले से पहले वाला गलत होने वाला था, अपने मुख्य बोल। अच्छा, चलिए। क्यों, मैंने जो है जिन जिन के नाम, मेरे नाम बोल दो। अरे प्रिया चौहान, नाम बोल दू, तू भी टॉप करेगी जल्दी, 2 या 3 टेस्ट में जो है तू टॉपर हो जाएगी। बेटा मैं टॉप 10 की ही बता सकता हूं। जी, हिमांशी जी आओगे आप लोग भी, बस लगे रहो, अभी टॉप 10 में हूं, ठीक है। अब बेटा आप मेहनत करो। देखो ये पीयूष जो है ना, आंसर कितने दिया है, बेटा प्लस पर जो है मॉर्निंग में 8 बजे से 10 बजे तक, इवनिंग में 9:45, नाइट में 9:45 से लेकर 11:30 तक, ठीक है। यानी कि स्टार्टिंग तो टाइमिंग 9:45 और खत्म हमारी इच्छा के अनुसार होता है, ठीक है। स्टार्टिंग टाइम बता सकते हैं और एंडिंग टाइम तो हमारी इच्छा के अनुसार रहेगा, समझ गए। तो अभिलाषा 4.9 सेकेंड, समझ रहे हो, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, 4 सेकेंड। अंशुल टॉप 10 से बाहर हो गया अभी, ठीक है। इसमें ना जो मेरे जो जो टेस्ट सीरीज में ना, आज 300+ बच्चे अभी तक दे चुके, 300+ बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, समझ रहे हो, 300 बच्चों में है ये स्कोर। और देखो अभिलाषा जो है, रविकांत जो भैया है ना, 4.7 सेकेंड में आंसर दे रहे हैं, समझे। ओवरऑल जो इनका ओवरऑल परफॉर्मेंस है 4.7 सेकेंड। कामाक्षी टॉप 10 की बता पाता हूं बेटा, कंप्यूटर में टॉप 10 की नाम ऊपर आते हैं, जैसे तुम टॉप 10 में आ जाओगे ना तुम्हारा नाम आ जाएगा, समझ रहे हो, तो टॉप 10 में आना पड़ेगा। क्या है ऐसा, उम्मीद करो कल तुम्हारा नंबर हो, ठीक है, कल के टेस्ट में मारो बाजी। चलो अब आगे चलते हैं। कृष्णा चौहान, बेटा तुम कब आओगे टॉप में, मुझे दिन बता दो कि सर मैं इसी दिन आऊंगा टॉप, जब भी मैं तुमसे बात करूंगा, वरना आज से हमारी आपकी कट्टी है, ध्यान रखो। जो है टॉप 10 में आप कब आओगे उसी दिन से जो है चलूंगा। शिवांश कुछ नहीं करो शिवांश, बस जो है प्रैक्टिस करो, जो है आपको टेक्स्ट की प्रैक्टिस जो है, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो, जितने ज्यादा ज्यादा हो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो,
नाम आ जाएगा। पता है शिवांश, ये जो प्लस वाले हैं ना, मैं बताता हूं बेटा, 7:45 पे, एक एक 2 मिनट का मैं एक ब्रेक ले रहा हूं आप सबको, एक शायद मेरे इस बताने से आपको कुछ बेनिफिट्स हो जाएं। आई थिंक 1 मिनट के लिए जो है मैं बात करना चाहूंगा। पता है, एक कल मैंने ना टिकटॉक की वीडियो डाली, समझ गए, टिकटॉक की वीडियो बनाया था, ऐसे ही मस्ती कर रहा था मैं नाइट में, नहीं मैं थोड़ा पढ़ भी रहा था मस्ती भी कर रहा था। ये वीडियो माने मैंने कितने बजे बाद डाली, 2 बजे, ठीक है, और मैं सोया 2:20 पर, समझ रहे हो, 2 बजे डाली और 2:20 पर मैं सोया। इस 20 मिनट में सारे प्लस वाले जग रहे थे। अब बोलो, ये जितने नाम ये सारे प्लस वाले स्टूडेंट जग रहे थे, और सभी ने वॉच कर लिया था, समझ रहे हो, यानी कि ये 2:30 बजे तक बच्चे पढ़ रहे हैं। सुबह क्लास थी 8 बजे, मैं 2 मिनट लेट भी हुआ, लेकिन ये 8 बजे ऑनलाइन थे, समझ रहे हो, यानी कि लगभग 2:30 बजे सोए, ठीक है, और 8 बजे जग गए। आपको कैसे पता, मैंने मेरा इन्हें स्टेटस देखा, तो रात में भजन तो कर नहीं रहा होगा कोई बच्चा, ठीक है, और एग्जाम के समय गर्लफ्रेंड से बात तो करेगा नहीं, ये तो कंफर्म है। एग्जाम के समय तो एक ही बात होती, गर्लफ्रेंड को बोल दिया था भैया मैं अभी सो रहा हूँ, मोबाइल चालू था मेरा, ठीक है, कॉल करेगी तो उठाओगे है नहीं, समझ रहे हो, ये चीज तो बात हो गई। तो इसलिए मुझे पता है कि मेरे बच्चे पढ़ रहे होंगे इस समय, समझ रहे हो ये, और अगर गर्लफ्रेंड से बात कर रहे होते तो मेरा स्टेटस नहीं देखते। चलिए, तो इसका आंसर क्या था, संस्कृत अध्ययन। जी, बेटा बुक जो है सानू 2 या 3 दिन में करंट अफेयर की उपलब्ध हो रही है बेटा, थोड़ा लेट हो गई है बेटा, उसमें मेहनत है, हम लोगों ने रात दिन मेहनत करी है, तो उस किताब को तो 1-2 दिन वेट कर लो बेटा, मिल जाएगी आपको। भोपाल में उपलब्ध होगी बेटा, सबसे पहले जैसे सारी चीज जानकारी देता हूँ ना सटीक, उतनी ही सही सटीक जानकारी आपको बुक का स्टोर का नाम भी दूंगा, बस कुछ दिन और वेट कर लो, ठीक है, 1-2 दिन, ठीक है। चलिए चलो, अब आंसर आ जाओ बेटा, आखिरी सबसे पहले बताओ, टेंशन मत लो, मुझे क्या मालूम रे, क्यों मीना साहब, मुझे क्या पता पोस्ट ऑफिस में क्या स्टोरी है। मैं टिकटॉक चलाता था, मैं तो कभी कभी कल तो ऐसे ही डाल दिया था मस्ती के लिए। भागश्री कितने क्वेश्चन गए, भागश्री ठाकुर जी, भागश्री भी आज पेपर दे रही है, तो भागश्री पेपर में कितने सही हुए अभी तक। गंगा नदी पर कौन से प्रांत की राजधानी स्थित है, यार बच्चे बच्चे का क्वेश्चन है, ये तो लगा देना, 100 चाहिए इसमें तो, ये तो हर छोटे से छोटे जो 1 साल का बच्चा है ना उसको भी आता है जो है ना, ए छोटे छोटे, ये तो हमारा अभी बता देगा, क्यों अभी, इसका आंसर तो तुम ही बता दोगे। कितने सही हो रहे हैं, हो नहीं रहे हैं, कितने हुए वो बताओ। भागश्री नेक्स्ट टाइम ना तुम्हें टॉपर चाहिए मुझे, जी मैं देख लूं टॉप 10 में कौन कौन क्या क्या हालत हो गई है,
लगता है आज तो पीयूष रुकेगा नहीं, वो तो आज मारेगा, चौके मार रहा है। और शिवानी, रविकांत भी नहीं रुकने वाले, दीपक भी नहीं रुकेगा। अच्छा रवि, रवि भी चल रहा है आना। टॉप 7 में तो कोई चेंजेस नहीं है। अच्छा हाँ, टॉप 8 में मनोज आ गया। अरे वाह बेटा मनोज। और संजय ठाकुर तो अभी प्रेजेंट है, संजय नीचे जा रहे हो, और नीरज 39 पे है। बेटा नीचे नहीं चले जाना। और जो है जी बेटा मेहनत करो अभिलाषा, तुम्हारे आंसर जो है 15 सेकंड ले रहे हैं। जब तुम्हारे आंसर ना 3 या 4 सेकंड लेने लगे ना, उसी दिन तुम टॉप हो जाओगे। जी, विदाउट प्लस वाले टेस्ट सीरीज मैंने फ्री रखी है बेटा, मैंने टेस्ट सीरीज फ्री रखी है आप सभी के लिए। और मेरी टेस्ट सीरीज ना चार्जेबल रखू ना। हाँ बेटा टॉप 10 में सभी आते हैं, जितने बच्चे देंगे हो, चाहे प्लस के हो चाहे नॉन प्लस के हो। हिमालय पार की नदियां बताओ। ये तो बच्चे बच्चे को पता है रे, ये तो मुझे मालूम है, सब लोग बता दोगे, ये तो बच्चों बच्चों को पता है बेटा। कमेंट्स करना नहीं है, आंसर पोल पे देना है। जी, कृपा करें। देखो जीतू भी परेशान हो गया है कमेंट से, देखो तो ब्लॉक करना अच्छा नहीं लगता, फिर यार फीलिंग गिल्टी आती है। ऐसा नहीं करो कि मैं ब्लॉक करूं, अपने सर को परेशान करना हो तो कर सकते हो। कौन सा शासक नारस्ता को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया? 1 सेकंड हो जाए। कौन से शासक ने कौन से शासक ने ये लिखना, कौन से शासक ने बुंदेलखंड को राजधानी बनाया? वो बेटा अपन का जो है मीना, अपन कर लेंगे कवर, टेंशन मत लो, अपन जो है कवर कर लेंगे। बस अभी बस 50 क्वेश्चन लास्ट, 10 5 क्वेश्चन और फिर अपन विदाउट कमेंट वाले खोल देंगे। किसी को पता नहीं है नेंसी, तुम इंटेलिजेंट हो। हाँ बेटा थोड़ा वो मिस्टेक टाइप हो गई है, तो हिंदी में किस बुंदेलखंड की राजधानी रहा? तो बुंदेला वंश। यौन हिंसा को युद्ध के हथियार की तरह इस्तेमाल होने के विरुद्ध बड़े योगदान के लिए 2018 में जो है, 2018 का शांति पुरस्कार जो है किसे मिला? ठीक है बेटा, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया था क्वेश्चन। मैंने आंसर लगा दिया है, लगा दो। नॉट होता तो आंसर क्या होता? तो बेटा आंसर जो है आपका, तो इसमें जो है नॉट होता तो सोचने दो, तो जो बुंदेला को छोड़ के बाकी सारे आंसर बता दे। नहीं, बुंदेलखंड राजधानी रहा ठीक है, लेकिन बुंदेला इसका आंसर सही है। आस्था होता तो चंदे, समझा नहीं बेटा अभी, चलो अभी कल लो, फिर बाद में बात कर लेंगे।
डेनिस मुखबेज और नादिया मुराद दोनों ही को तो सही दिया है। डेनिस मुखबेज और मुराद, नादिया मुराद ही तो उसका आंसर था। क्या पोल सही तो था? सी। जी। बेटा नैन्सी, तुम्हें इसी साल जॉब लेनी है। तुम रूप सर की स्टूडेंट हो, ठीक है? तुम्हारे लिए ना एक और वैकेंसी आ रही है अभी 12th पास पर। 12th पास से जॉब ले लो। 18 साल की एज हो जाएगी अभी 2020 में, टेंशन मत लो। और जनवरी से काउंट तो करेंगे नहीं वो, ठीक है? अगस्त 2020 से काउंट की जाएंगी, जिसमें आपका जो है क्लर्क लेवल की जॉब है, ठीक है? और हाईएस्ट लॉन्गेस्ट टर्म जो है अपना हीरा कुंडे में 4,810 मीटर, ठीक है? तो अभी लगे रहो, मैं कह रहा हूं आपके पास समय कम है। देखो 1 मिनट निशांत, 1 मिनट ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लें दो। ये अब जो मैंने पोल जो है ऑन कर दी, इसके बाद बता। एकता गुजर, आप क्लास तो आओ, जब तो निकलवाओ। क्लास ही नहीं आओगे तो निकलवा कहां से दूंगा मैं? ककेटो बांध शिवपुर में बेटा। चलिए तो बेटा बड़ा डैम पूछे ना, बड़ा बांध तो सरदार सरोवर, जल और विद्युत दोनों ही आधार में है बड़ा। जल और विद्युत दोनों ही आधार में है, लेकिन क्वेश्चन पूछा ऊंचा बांध बताओ तो टेहरी। ऊंचा बांध पूछे तो टेहरी, बनने वाला पूछे ना, बनने वाला कहाँ है? बनने वाला कहाँ है? तो बनने वाला है जी दिहांग में। दिहांग जो है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है, ठीक। बनने वाला, फिर लंबा जिसे अभी पूछा गया तो ये हीरा कुंड है। क्लियर? चलिए हो गया क्लियर। ब्रिटन नामक पर्वतीय जनजाति कहाँ पाई जाती है? दिहांग में बनने वाला है। जी, कोट में अपनी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा। क्वेश्चन 55, ब्रिटेन नामक पर्वतीय जनजाति कहाँ पाई जाती है? फ्रांस। हिंगलाजगढ़ मध्य प्रदेश से किस जिले में है? नहीं बेटा, मैक्सिमम जो है अपनी फ्रांस में पाई जाती है। अरे बेटा वो कॉन्सेप्ट नहीं है, ब्रिटेन के नाम पर ब्रिटेन वो अलग है, वो कॉन्सेप्ट नहीं है। नहीं बेटा, मन उसका आंसर फ्रांस ही लगाया जाता है। जुलाई 2018 में गठित
राजीव गोबा समिति का जो संबंध है हमारा वो किससे है? अगेन रिपीट कर रहा हूं, राजीव गोबा समिति। हेलो हेमा, नमस्कार। बेटा करंट अफेयर कम से कम आपको 8 महीने का पढ़ना होगा। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? 60 क्वेश्चन पोल तक कराऊंगा, फिर कमेंट के साथ कराऊंगा, ठीक है? तो ये 3 क्वेश्चन बचे, जल्दी जल्दी आंसर दे लो। नहीं जनवरी से मत करो, मार्च से अप्रैल से कर लो। एक पढ़ाऊंगा ना आज, एक पढ़ाऊंगा आपको और 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा एक्ट के, ठीक है? जो है एक्ट के 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जो है हम आपको देंगे। भारत की जो है लार्जेस्ट नदी का नाम बताओ। तो क्या होगा बेटा, एक आध क्वेश्चन तो रहता है ना बेटा। नाइट में 9:45 पे प्लस की क्लास है ना, उसमें गंगा, बेटा ब्रह्मपुत्र ऑप्शन में है नहीं ना? और ब्रह्मपुत्र किस आधार पर है? ड्रेनेज सिस्टम के आधार पर है, समझ गए? तभी तो मैं कहता हूं नहा के आया करो, तुम मानते नहीं हो, समझ रहे हो ना? तभी मेरा डायलॉग तुम मानते नहीं हो। मैं बोलता हूं नहा के आया करो। सात पैतालीस, अच्छा 12 ग्राम ना हो गए। बहुत फनी आंसर दिया है शशांक, बहुत अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड है तुम्हारा, बहुत सबसे अच्छा आंसर आज मुझे किसी ने दिया है ना, तो वो है शशांक ने। सही है शशांक, बहुत अच्छा। पीयूष टॉप टॉपर है आज का, भैया आज तो टॉपर, आज तो टॉपर पीयूष है। दीपक और रवि सेकंड है, दीपा थर्ड है 51, शिवानी 50, रवि 50, अनामिका 50, अरे वाह यार आज तो बहुत आ गए। मनोज चौहान 47, नीरज 47 एंड निशांत शर्मा जी 46, यानी टॉप 10 में भी लास्ट क्या है 46 तक गया है आउट ऑफ 60। अब वो तो रहता है बेटा, आकाश की 42 है आउट ऑफ 60, बहुत अच्छा आकाश, कृष्णा की 42 है, चलिए कोई नहीं, शिवम के 43 हैं, ओके, आदित्य के 45 हैं, सड़क की से जो जो है आप लेंथ पूछना चाह रहे हो क्या बेटा? आयुषी अभी इसका मैं जो है
एग्जैक्ट आंसर नहीं दूंगा मैं, क्योंकि अभी जो है हमारा इकोनॉमिक सर्वे आया, उसके अनुसार चेंज हुआ है डेटा, तो मुझे इसका देखना पड़ेगा। जी, अब जो है अपने धुआंधार, अब देखता हूं कौन में जो है कौन कितनी स्पीड से कमेंट कर सकता है। चलिए कोई नहीं। हाँ जी, कल बता दूंगा। अब मैं कल बताऊंगा सर, मैं जो है बिना गलत आंसर नहीं बता सकता। देखो मेरी आदत है, मुझे नहीं आता तो मैं कल ही बताता हूँ, मेरी आदत है। मैं गलत आंसर जानकारी नहीं दे सकता, ठीक है? मैं उन टीचरों में से नहीं हूँ कि अपना गलत दे के आपका पल्ला झाड़ लू अपना, लेकिन मुझे नहीं आता, मैं गलत जानकारी नहीं दे सकता। राइट, आपका एक नंबर का सवाल है, ठीक है? जी, गंगा आंसर था हमारा, उसका तो गंगा ही तो लगवाया था मैं उसका। चलिए अब बेटा समय नहीं बचा है, 2 मिनट बचे हैं, 2 मिनट में 20 क्वेश्चन करते हैं अब रूप सके स्टूडेंट कैसे। चलो 61 का आंसर दो रोहित बेटा, ज्वाइन हो जाओ। आप जो है आने के में ज्वाइन कर लो जल्दी से जाकर, रेफरल कोड रूपसा डाल देना, ROPSIR रूपसा। चलिए संधानी 11वां जो है विजय का यशोधर्मन स्तंभ, सौंधानी खजुराहो में अलग से पड़ता है, बुंदेलखंड क्षेत्र में महोबा के पास सौंधानी, ठीक है? 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन, ये पोर्ट सैयद, भारत की जलवायु सबसे महत्वपूर्ण कौन सी विशेषता? जल्दी जल्दी आंसर, बहुत तेज तेज स्पीड से खेलो आप, आ जाओ दबाओ सही। चलो सी है लगे, और ए कन्ने पवनों की दिशा में परिवर्तन, जनसंख्या का सबसे कम भार, अब दो कमेंट, जब तो लगे थे कमेंट कमेंट करने, अब क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया। चलो रानी दुर्गावती का संबंध कहां से है? आनंदीबेन पटेल किस राज्य की राज्यपाल रही हैं, रही थी भैया, रही थी पूछ रहा हूं, रही थी, ठीक है? यू अपना मध्य प्रदेश। हिमालय पर्वत कैसा पर्वत है? इसे हम फोल्डेड पर्वत है, कौन सा है? बलित पर्वत। सबसे पहले इंडिया शब्द का उपयोग किसने किया? जापान का डेट्रॉइट किसे कहते हैं? भग जाओ रे, लगे ओसाका को मैनचेस्टर बोलते हैं, कुछ भी आंसर है। चलो बेटा अभी 10 क्वेश्चन और रह गए, 10-15 क्वेश्चन और थे, लेकिन समय कम रह गया है और टाइम अपन ज्यादा ले चुके हैं, तो आगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है? और बाकी क्वेश्चन में आंसर की लगा के दे दूंगा, ठीक है? कल की बेटा टॉपिक नहीं है, फुल लेंथ टेस्ट है, अब PSC है ना, अब तो फुल लेंथ टेस्ट रहेगा, अब तो पूरे टॉपिक आएंगे, ठीक है? अब तो फाइनल चल रहा है, अब तो टेस्ट में सब पास कर लो प्लीज। नहीं होगा बेटा, क्लास है ना अभी 10 मिनट बाद, इसलिए अब नहीं हो पाएगा, 9:18 9:30 पे क्लास हो जाएगी फिर। सुबह की क्लास जो है आपकी 8 बजे, टाइम चेंज कर दूंगा, 8:45 रखूंगा। जी, 8:45 टेस्ट का टाइम रहेगा, और कल दिन में आपके लिए एक स्पेशल क्लास रहेगी, कल हमारी छुट्टी है पता है, तो आपकी क्लास है स्पेशल 4 बजे, कल जो है आपकी क्लास है स्पेशल 4 बजे, ठीक है? तो कल 4 बजे आ जाना, टॉपिक मैं अभी बनाऊंगा फिर डाल दूंगा। नहीं, प्लस वालों के लिए सुबह की क्लास,
ठीक है। और इवनिंग की क्लास जो है 4 बजे वो सबके लिए है। संडे को 2 ही रहेंगे यार, संडे मैडम के साथ घूम आऊं मैं। जी, एमपी पुलिस और एमपीएसआई क्लास जो है बेटा, अभी एमपीपीएससी वाला बैच ज्वाइन कर लो, फिर जो है आप उसी में ज्वाइन कर लोगे आप उसका भी। एमपीएसआई में भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है, एमपीएसआई में भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको एक ही बार फीस देनी है, अलग अलग से फीस नहीं देनी है बेटा। रहेंगी 2 रहेंगी पर उस दिन क्लास, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपन 9:45 पे, ठीक है।